मेरा नाम डॉक्टर अर्चना है और आज मैं आपको ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज फीमेल्स में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है। ये दो तरीके का हो सकता है, एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज और एक एबनॉर्मल। सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है। नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट सा होता है, जिसमें आपको कोई स्मेल नहीं आती, कोई बॉडी में इचिंग नहीं होती और ये आपके पीरियड्स के डेट के हिसाब से कम या ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आपकी बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स के लेवल बढ़ते हैं तो ये कभी भी कम या ज़्यादा हो सकता है। एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है वो मोस्टली दही की तरह होता है, बहुत स्मेल आती है, उसकी वजह से आपको इचिंग हो सकती है आपके प्राइवेट एरिया में और यूरिन पास करने में भी इचिंग हो सकती है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं इन्फेक्शन के। सबसे कॉमन कॉज जो एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज का होता है वो होता है इन्फेक्शन, और उसमें भी सबसे कॉमन होता है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं। एक सबसे कॉमन कारण होता है प्रेगनेंसी, जिसमें आपकी इम्यूनिटी थोड़ी लो हो जाती है, जिसके कारण आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। बाकी अगर आप कोई एंटीबायोटिक का कोर्स कर रहे हैं तो भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं तो भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब जानते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई डिस्चार्ज हो रहा है जिसकी वजह से आपको इचिंग हो रही है तो क्या किया जाए। सबसे पहले तो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शंस बहुत तरीके के हो सकते हैं, फंगल एज वेल एज बैक्टीरियल कॉजेस हो सकते हैं, और ये आप घर बैठे नहीं जान सकते कि इसका कारण क्या है। तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर बताना होगा और उनसे जाँच करवानी होगी। आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको एग्जामिन करके बताएंगे कि ये इन्फेक्शन फंगल है या बैक्टीरियल है। फंगल इन्फेक्शन की दवाइयाँ अलग होती हैं, जिसका ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर आपको उसके हिसाब से देंगे। बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाइयाँ भी अलग होती हैं। अब हम जानेंगे कि इससे हम प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं ताकि ये इन्फेक्शन हमें बार बार ना हों। सबसे पहले तो आपका जो प्राइवेट एरिया है उसको क्लीन एंड ड्राई रखिए, उसमें ज़्यादा मॉइस्चर को इकट्ठा ना होने दें। बाकी कॉटन के कपड़े पहने, पीरियड्स के टाइम पे थोड़ा हाइजीन का ज़्यादा ध्यान रखें, वजाइनल वॉश यूज़ करें ताकि आपको ये इन्फेक्शंस के कॉजेस इन्फेक्शंस बार बार ना हो। बाकी अगर आपकी अर्ली मैरिज हुई है, रिलेशन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये इन्फेक्शंस आपको और ज़्यादा हो सकते हैं। तो ज़्यादा ध्यान रखिए कि हमेशा इंटरकोर्स के बाद हमेशा अपना वजाइनल एरिया क्लीन करें। तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू।